हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं मिनी जलेबी की रेसिपी, वो भी इंस्टेंट जलेबी। ना ही इसको रात भर छोड़ने का झंझट, ना कॉर्नफ्लावर, ना चावल का आटा। बहुत ही इजी तरीके से इस मिनी जलेबी की रेसिपी हम बनाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। जलेबी बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक मिक्सिंग बोल लिया है, जिसमें हमने 1 कप मैदा लिया है, 1 चुटकी भर हम यहाँ पे इलायची पाउडर और 1 पिंच हमने केसरी फूड कलर का यूज़ किया है। 1/2 छोटी चम्मच हम यहाँ पे घी यूज़ करेंगे और 2 टेबल स्पून के बराबर हम थोड़ी सी खट्टी दही यूज़ करेंगे। पानी यहाँ पे 1 कप यूज़ होगा हमने इस तरह से, लेकिन बैचेज में हमने पानी डाला है, लेकिन जितना मैदा बस उतना ही पानी इसमें यूज़ होता है। तो इसे हम इस तरह से चलाते हुए इसका बैटर तैयार करेंगे, लेकिन आप पानी एक ही बार ना डालें, बैचेज में डालें, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी पे हमें बहुत ध्यान देना होता है। तो देखिए ये जो है, इस तरह से हम इसे मिक्स विस्कर से अच्छी तरह से फेंट लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसे चलाएँगे, इसको हम तैयार करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसे हमने इस तरह से फेंट लिया है और फेंटने के बाद इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स होने तक फेंटना है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा फेंटना है। तो 2 से 3 मिनट हमने इसे फेंट लिया है। अब हम इसे ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि तब तक हम चाशनी तैयार कर लेंगे। तो चाशनी के लिए ये हमने यहाँ पे एक सॉस पैन लिया है, इस तरह का सॉस पैन जो होता है वो थोड़ा गहरा होना चाहिए, चपटा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने 1 कप मैदा लिया था, तो 2 कप चीनी लेंगे चाशनी बनाने के लिए, और 2 कप चीनी के लिए हम यहाँ पे 1 कप पानी लेंगे। हमेशा ध्यान रखें कि चाशनी बनाने के लिए हम जितना चीनी लेंगे उसका आधा हम पानी लेंगे। तो आप मेजरमेंट के लिए कोई भी कप, ग्लास या फिर कटोरी कुछ भी सेट कर सकते हैं, लेकिन आप जब भी बनाएं तो आप 1 कटोरी ग्लास जरूर सेट कर लें। तो ये देखिए चीनी बिल्कुल मेल्ट हो गया। जब तक चीनी मेल्ट होता है तब तक हमें थोड़ा चलाना होता है। तो चलाने के बाद यहाँ पे देखिए चीनी बिल्कुल मेल्ट हो चुका है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे, 1/2 नींबू का रस हमने यहाँ पर यूज़ किया है, जिससे इसमें क्रिस्टल नहीं पड़ेंगे, चाशनी जो है जमेगी नहीं। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा केसर का धागा यूज़ कर रहे हैं, इससे फ्लेवर भी अच्छा आता है और कलर भी अच्छा आता है। और यहाँ देखिए, हमें चीनी मेल्ट होने के बाद भी इसे 5 से 7 मिनट पकाना होता है, क्योंकि हमें इसमें चाशनी एक तार की नहीं बनानी है, लेकिन 1/2 तार जैसे ही तार बनने वाला चाशनी होगा उतना तक हमें बनाना है। तो हमने चेक किया तो अभी नहीं था, अभी हम इसे फिर से 2 मिनट पका लिए। तो यहाँ पे देखिए 1/2 तार बनने का कोशिश हो रहा है, लेकिन बन नहीं पा रहा है। ये लग रहा है कि ये तार बनेगा लेकिन बन नहीं पा रहा है। तो अब यहाँ पर हम 1/2 छोटी चम्मच इलायची का पाउडर डाले हैं फ्लेवर के लिए, और 1 पिंच हम बिल्कुल मार्केट जैसा कलर लाने के लिए जलेबी में फूड केसरी फूड कलर का ही यूज़ कर रहे हैं। तो इसे हम मिक्स कर देंगे और चाशनी जो बिल्कुल तैयार है, तो गैस को बंद करके चाशनी को ढक के रख देंगे। अब यहाँ पे देखिए बैटर को भी 10 मिनट हो गया है, इसे एक बार और हम मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर हम 1/2 छोटी चम्मच हमने यहाँ पे बेकिंग पाउडर का यूज़ किया है, बेकिंग सोडा यूज़ ना करें, बेकिंग पाउडर यूज़ करें। एक बार इसे फेंट लेंगे। अब हम जलेबी बनाने की प्रोसेस में चलते हैं। तो उसके लिए इसकी कंसिस्टेंसी आप एक बार देख लीजिए, इस तरह की फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, जो नीचे गिराने पे रिंग जैसी बने उस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। यहाँ पे हमने दूध का एक थैला लिया है जलेबी बनाने के लिए। आप चाहें तो जिपलॉक बैग ले सकते हैं या सॉस वाली बॉटल ले सकते हैं, जो प्लास्टिक की बॉटल आती है। फिर आप केक बनाने वाली पाइपिंग बैग भी ले सकते हैं, लेकिन इस दूध की थैली जो है हर घर में उपलब्ध होती है, इसीलिए हमने ये बैग थैली लिया है। तो इसको ऊपर से हमने कट कर दिया, अब इसे धो के हमने साफ कर लिया था पहले ही। अब हम इसे एक ग्लास में कोना जिस तरफ से उसे हम नीचे डालेंगे और इसमें इस बैटर को भर देंगे जितना इसमें एडजस्ट हो सकता है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा बैटर को भरेंगे, जितना एडजस्ट हो सकता है उतना बैटर को हम भर देंगे। तो देखिए हमने बैटर को भर दिया है। अब हम इसे रबर बैंड से इसको हम ऊपर से बैंड करेंगे। इसमें थोड़ा सा बैटर और आ सकता है, तो हम थोड़ा सा बैटर और डाल देंगे और इसे चारों तरफ से इस तरह से मोड़ के और रबर बैंड से हम इसे फिक्स कर देंगे। तो देखिए इस तरह से रबर बैंड को लपेटते हुए इसे आप फिक्स कर दें, जिस तरह से मेहंदी का कोन तैयार करते हैं उस तरह से इस कोन को इस तरह से तैयार कर लेंगे। अब हम जलेबी बनाएंगे, तो उसके लिए हम एक फ्लैट पैन लेंगे, कोई भी बर्तन लें लेकिन फ्लैट होना चाहिए, और 1 इंच तक तेल डालें, इससे ज़्यादा तेल ना डालें, बस 1/2 इंच तेल होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल डाल दिया है, आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं। अब इस पाइपिंग बैग में थोड़ा सा आप इस तरह से कट लगा दें, ताकि
जलेबी बना सके, बहुत मोटा नहीं और बहुत पतला भी नहीं। हम यहाँ मिनी जलेबी बना रहे हैं इसीलिए छोटा छोटा जलेबी बना रहे हैं, चाहे तो बड़े बड़े जलेबी बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे पकने देंगे ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। गैस का फ्लेम हम यहाँ पे मीडियम कर देंगे, तेल अच्छी तरह से गरम करेंगे, उसके बाद गैस का फ्लेम मीडियम करेंगे, फिर हम इसमें जलेबी डालेंगे। हमने जलेबी को पलट दिया है, अब इस तरफ से बिल्कुल लाइट ब्राउन होने तक हम अलट पलट के इसे हम फ्राई कर लेंगे। तब देखिए इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, तो हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और गरम गरम ही हम इसे चाशनी में डाल देंगे। देखिए गरम गरम हम ये चाशनी में डालेंगे और चाशनी में हम इसे 5 सेकंड के लिए छोड़ देंगे, 5 से 10 सेकंड के लिए आप इसे छोड़ दें। तो देखिए हमने इसे 10 सेकंड के लिए छोड़ दिया था, अब 10 सेकंड के बाद इसे हम इस तरह से अलट पलट देंगे चाशनी के अंदर और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए 10 सेकंड में इस अच्छी तरह से जलेबी जो है चाशनी को एब्जॉर्ब कर लिया है, तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे इस तरह से। बाकी का भी जलेबी हम इसी तरह से सेम प्रोसेस से बनाएंगे। तो हम छोटे छोटे जलेबी बना रहे हैं, मिनी जलेबी हम बनाना है यहाँ पे, इसीलिए हम छोटे छोटे जलेबी बना रहे हैं। आप थोड़ा सा साइज बढ़ा सकते हैं लेकिन प्रोसेस सेम रहेगा, जैसे हम बनाते हैं बस वैसी प्रोसेस से हम इसे बनाएंगे। तो आप देखिए इस तरह से भी आप जलेबी बना सकते हैं आराम से, चारों तरफ से राउंड करते हुए आप जलेबी को बनाएं। देखिए ये भी फ्राई हो चुका है, इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और गरम गरम ही हम चाशनी में डाल के इसे अलग पलट के निकाल। अब बड़े बड़े जलेबी आप कैसे बनाएं, तो उसके लिए देखिए आप बीच में डालें बैटर को और चारों तरफ से घुमाते रहें, 3 से 4 बार राउंड दें, तब ये बड़ी बड़ी जलेबी बन जाएगी। एक बार में जितना एडजस्ट होके उतना ही डालें। तो देखिए सभी जितना भी जलेबी है सभी को हमने इस तरह से बना लिया है, इसे भी हम लाइट ब्राउन कर लिए हैं। अगर आप ज़्यादा क्रिस्पी खाना चाहें तो और थोड़ा सा ब्राउन कर लें, और इसे भी हम गरम गरम ही चाशनी में डाल देंगे। 5 से 10 सेकंड के लिए हम इसे छोड़ देंगे, चाशनी जैसे ही अब्जॉर्ब कर लेगा जलेबी इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए सारा जलेबी जो है बनके तैयार है, तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, ऊपर से थोड़ा सा पिस्ता से गार्निशिंग कर देंगे। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, मेरे चैनल पर नया आया तो सब्सक्राइब करें, आने वाले बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।